आप जो ही रहे अच्छो स्टार न्यूज गुजराती लाइव। जैसे मैंने बताया कि रफीद आपका 98 बर्थडे है, मैं एक बात बोलूंगा कि जितना लोग रफीद आपको प्यार करते हैं, जो हम कलेक्शन करने वाले हैं, जो भी हम जो कलेक्शन करते हैं या रीडर्स है, हम उतना ही प्यार हम अशोक दवे अंकल से भी करते हैं। अशोक अंकल दवे को भी लगभग मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर में लिखे हुए 50 बरस हो गए, और इनके जो कॉलम आते थे फिल्मी फिल्म, बुधवानी बपोर, एनकाउंटर, वो तीनों खाली नाम लेंगे ना कि क्या अशोक दवे, तो खाली एनकाउंटर बोले तो सीधा नाम याद आता है अशोक दवे। मैं मीडिया के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि भाई कलम तो सब चलाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब की शान में जो शब्द जो वर्ड अंकल लिखते हैं ना, वो शायद ही कोई लिखता होगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी के पास भी अगर पुराने आर्टिकल्स ना हो तो वो मेरे पास आए, मेरे पास अंकल के जितने भी आज तक के आर्टिकल है वो सब तारीख वाइज पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं जितना रफी साहब को सुनता हूँ उतना ही मैं अंकल को पढ़ता हूँ। हाँ, जो जो माहिती मुझे गानों में से नहीं मिलती है वो अंकल के आर्टिकल से मिलती थी। अंकल का एक आर्टिकल सब पढ़ना, और मैं बोलता हूँ फिर से पढ़ना के रफी साहब नो आवाज एटले शिवलिंग ऊपर चढ़ती दूधनी धारा, अने रफी साहब उधरस पण सात सौर में खाता हे। हमें अंकल तमें रफी साहब ने मारा प्रणाम। मारा माँ बाप पछी जो सौथी वधारे हूँ कोई ने ईश्वर मानतो हूँ तो मोहम्मद रफी साहब। क्या बात है, એમના ગીતો સાંભળીને હું મોટો થયો છું, કારણ મને 70ની ઉંમર થઈ અને 70 વર્ષથી તો કમ સે કમ હું રફી સાહેબના ગીતો સાંભળું છું। મારા જેટલા કંઠસ્થ ગીતો રફી સાહેબના બહુ ઓછા ને હશે, કારણ કે મેં એમને પૂજ્યા છે, માત્ર ચાહ્યા નથી, રફી સાહેબને પૂજ્યા છે। અને ભગવાનને પ્રાર્થના કે આજે 98મી વર્ષગાંઠે આપણે ભેગા થયા છે, એના માટે ઉમેશ વાખેજાને આપણે બધા બહુ સર્વે આભાર માનીએ કે 120મી પણ વર્ષગાંઠે ઉમેશ વાખેજા આવું જ ફંક્શન કરતા હોય, એટલે તમને 22 વર્ષનું જીવન આપી દીધું મેં। થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ। જય રવિ સાહેબ આપકા 98 બર્થડે હૈ, और जैसे लोगों को मालूम है कि रफी साहब और किशोर दा आपस में उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, मैं आज बहुत खुश हूँ रफी साहब के बर्थडे पे वॉइस ऑफ किशोर कुमार हमारे हिमांशु त्रिवेदी अहमदाबाद में, जैसे बोलते हैं उछलम उदलम हिमांशु त्रिवेदी। थैंक यू। लेकिन मैं माखीजा साहब के लिए एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि इन्होंने जो ये 98 बर्थडे जो रफी साहब की यहाँ पे जो सेलिब्रेट करने का जो उनको मौका मिलता है हर बार, ये इतने नसीबदार हैं कि हम लोगों को ऐसा नसीब नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत नसीबदार है। और रफी साहब का सही में यहाँ पे आशीर्वाद है। मैं एक बार मेरे दोस्त अभिजीत के साथ यहाँ पे आया था और मैंने दर्शन किया था, तब से मेरा लेके आज तक मैं इतना अच्छा स्वास्थ्य के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, सब हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छा रहता है, तो बहुत मजा। रफी साहब का रियली आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मागी जी साहब। जय रवि साहब। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मेरा नाम निर्मल सिंह है, मैं पेज इंडस्ट्री जॉकी में सर्कल हेड हूँ। मेरे साथ हेमंत पारिक हैं जो स्ट्रेट हेड गुजरात के हैं, और उमेश भाई को हम अभी कुछ दिन पहले ही मिले एक डिनर पार्टी में, तो आज रफ़ी साहब के जन्मदिन के मौके पे उन्होंने हमें इनवाइट किया, और वाकई बहुत अच्छा लगा ये दीवानगी और जिस हिसाब से यहाँ अरेंजमेंट किया हुआ है, तो हैट्स ऑफ टू उमेश भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमेश भाई को, और जिस तरह से उमेश भाई का यहाँ पे जो हमने मंदिर देखा है रफी साहब का मंदिर, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं यहाँ पे, इस तरह का मतलब फॉलोवर, इस तरह का फैन, दीवान का दीवान की मतलब भक्त, मतलब हेड्स ऑफ उमेश भाई जैसा उसने कहा, जैसा हमने आज तक केवल न्यूज़ चैनल पे कहीं पे रिपोर्टिंग में देखा है, आज तक हमने ऐसा वर्चुअली कहीं नहीं देखा था। तो यहाँ पे कोई भी अगर आए जो जिसको शिवलिंग का शौक है तो उसके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद हमें यहाँ मदद करने के लिए, और आपको भी धन्यवाद हमारा कमेंट्स लेने के लिए। धन्यवाद।